करनाल के कोर्ट परिसर में वकीलों के चैंबर के प्रांगण में एक 60 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला है। सुरेंद्र नामक व्यक्ति का शव मिलने से चैंबर में सनसनी फैल गई है, जिसकी सूचना बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एवं पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची एवं मृतक के परिजनों को मौके पर बुलाया गया। पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि वकीलों के चैंबर में एक 60 वर्षीय व्यक्ति की डेड बॉडी मिली है, जिसको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के मर्चरी हाउस में भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि मृतक का नाम सुरेंद्र है। वह पिछले काफी अरसे से यहां पर मुंशी का कार्य करता था, परंतु रात किसी कारणवश उनकी मौत हो गई। फिलहाल कारणों की जांच की जा रही है। बार एसोसिएशन की ओर से मौके पर कई वकील मौजूद रहे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समाचार एक्सप्रेस में, और हम करनाल में मौजूद है। यहाँ पर अभी अभी वकीलों के चैम्बर में एक डेड बॉडी मिली है। मृतक की पहचान सुरेंद्र के नाम से हुई है, जो कि कुछ साल पहले यहाँ मुंशी का काम करते थे। वो हांसी रोड पर रहते थे। उनके साथ यहाँ एक बुजुर्ग थे हैं जो काम कर चुके हैं। उनसे जानेंगे कि क्या कुछ मामला है और क्या उनके साथ है। सर, सबसे पहले उनके बारे में थोड़ा बताइए। उनके बारे में ये है कि इसके पास 2 शादी करी थी इसने, 2 मिसेज हैं इसकी, बच्चे भी हैं। फिर इनकी किसी कारण से अनबन होगी, इन्होंने घर जाना छोड़ दिया और 30-40 साल से मतलब यहाँ पहले खिल्लन के पास काम करते थे एज ए मुंशी। फिर ये ओल्ड एज उम्र होगी, ज़्यादा काम बने नहीं, फिर ये यहीं रहने लग गया। निर्मल कुटिया में खाना खाता था और यहीं अपना पौवा लगा के आराम से लेटता था। किसी के साथ कोई द्वेष भावना नहीं है, किसी के साथ कोई रंजिश नहीं है। ये मालूम परमात्मा को पता है कि भाई वो ठंड की वजह से मिला मरा या वैसे। एकदम से उनकी डेड बॉडी मिली, बता रहे हैं कि कल शाम तक ठीक थे, आप भी मिले थे उनसे? हाँ, कल शाम तक, कल छुट्टी थी, कल शाम तक भी ठीक थे। तो ये तो आज बस आ गया टाइम इनका, बाकी किसी के साथ कोई द्वेष भावना नहीं है। कितनी उम्र थी उनकी? इनकी उम्र 60 अबव है। फैमिली से कोई आया है यहाँ पर? फैमिली से अभी इसके बच्चे आए हैं, उनको जिस कारण से भी इत्तला मिली है वो उसकी डेड बॉडी अब हॉस्पिटल में ले गए हैं। वो संस्कार भी करेंगे, सारा कुछ करेंगे, परिवारजन वाला व्यक्ति है। पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है? पुलिस ने भी जब उसके बच्चे आ गए, उनको उसकी डेड बॉडी ले करके अब ड्रामा सेंटर गए, पोस्टमार्टम होगा या जैसे भी होगा, पुलिस ने भी कोई उचित कार्रवाई करी है पुलिस ने। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए समाचार एक्सप्रेस के। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समाचार एक्सप्रेस में, और अभी हम यहाँ मौजूद हैं करनाल में। यहाँ पर वकीलों के चैम्बर में एक डेड बॉडी मिली है। आइए पुलिस से जानते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। क्या पूरा मामला है? हमारे को जानकारी मिली थी कि भाई कोई अननोन डेड बॉडी है, जिसका यहाँ पता चला कि सुरेंद्र है, ये पुराना मुंशी था और इसके पिताजी का नाम राधेश्याम है। इसके परिवार वाले आ चुके और इसका लड़का साथ है, हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जो नियम अनुसार कार्रवाई हुआ, कार्रवाई की जाओगी, और SI राकेश इसकी कार्रवाई कर रहे हैं थाना सिविल लाइन से। हमने बजरिया टेलीफोन सूचना मिली थी, हमने टेलीफोन से सूचना मिली थी, वही कोई आदमी इसकी कार्रवाई है SI राकेश थाना सिविल लाइन से, वो कार्रवाई कर रहे हैं इसकी। तो आपने देखा कि अभी तक मृतक की सिर्फ पहचान हुई है, नाम का पता लगा है, ये नहीं पता लग पाया है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई है। ज़्यादा जानकारी के जुड़े रहिए समाचार एक्सप्रेस के साथ। वरिष्ठ कैमरामैन सनी चौधरी के साथ मैं प्रीतिका ध्यान, नमस्कार। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.